So a very good morning to all of you. My name is Anoop. So today's topic is about what? About diet. So लोगों की बहुत सी क्वेरीज रहती है कि अपन घर में क्या खाएं, घर में रखे सामानों का कैसे इस्तेमाल करें हमारा वजन जिससे बढ़े या घटे। तो मैं पहले बताऊंगा हमारा वजन कैसे घट सकता है। घर में जो भी हमारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी खाने का सामान अवेलेबल है, उसका कैसे सही से इस्तेमाल करें जिससे हमारा वजन घर ही में मैनेज हो पाए। सो पहले हम लोग बात करते हैं डाइट के बेसिक्स के बारे में। तो डाइट डिवाइड है अपने तीन पार्ट में, गुड फैट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो आपकी जो थाली बनती है ना, उसमें सही प्रपोर्शन में हर चीज़ होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। सो लोग कहते हैं कि फैट्स लेने से फैट बढ़ता है, पर ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाँ, सो तो मैं वापस से डाइट पे आता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने बिना सीधे डाइट पे पहुँचता हूँ मैं आपको। सो बेसिकली हम एज अ बेसिक रूटीन एक इंसान की कैसी होनी चाहिए, एक आम आदमी की कैसी होनी चाहिए टू लिव अ हेल्दी लाइफ। सो आपको सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए नींबू के साथ, आपके मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा नींबू और थोड़ा जीरा होता नहीं, जीरा जो अपन दाल है सब्जी में यूज़ करते हैं जीरा को, उसको एकदम पानी में एकदम से वो करके उबाल के काफ़ी 5 10 15 मिनट जितना मिनट आप उबाल पाओ, उबालने के बाद उसमें नींबू डाल के पीजिए। आपका मेटाबॉलिक रेट हाई करेगा, कैलोरी ज़्यादा बर्न होंगी आपकी, और पहली ये आपका पहला दिन का स्टार्टर ये रहेगा आपका। उसके बाद बात आती है अपने फर्स्ट मील की। सो फर्स्ट मील, मॉर्निंग मील और ब्रेकफास्ट कह सकते हैं उसको, बट ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मील होती है। बट हम लोग पास सुबह किसी के पास समय नहीं होता है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, बट हम लोग को ये लेनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग का सुबह रात भर का 8 घंटे का ब्रेक तोड़ते हैं, इसलिए हम इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। सो ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए आपको, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन, मैं पहले बता रहा हूँ वेजिटेरियन की डाइट, नेक्स्ट आएगी नॉन वेजिटेरियन की डाइट। हाँ, तो जो वेजिटेरियंस हैं उनको लेनी चाहिए सुबह एटलीस्ट 2 ब्राउन ब्रेड या 2 रोटी साथ में लेनी चाहिए उनको। अगर आप रोटी सुबह, नहीं रोटी मत लीजिए सुबह, क्योंकि रोटी बनने में और बनाने में टाइम लगता है। सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आप ओट्स रख लीजिए घर पे, ओट्स या फिर दलिया, बोथ आर सेम इन कैलोरीज और सेम इन एवरीथिंग, सेम इन प्रोटीन कार्ब्स एंड फाइबर्स। हाँ, तो बोथ आर अ गुड स्टार्टर फॉर योर डे। आप दलिया लीजिए, उसमें उसको दूध में बनाइए, आप उसको दूध में बना लीजिए, उसमें आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए फॉर गुड फैट्स एंड फॉर गुड फैट्स। सो दलिया आपका ग्रेट स्टार्ट फॉर योर डे होगी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो सेकंड मील होगी, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे कॉलेज जा रहे हैं, तो आप आराम से 2 या 3 रोटी 2 रोटी 3 रोटी ले जाइए, 2 रोटी ले जाइए आराम से। दो आपका वेट के हिसाब से ले लीजिएगा, आपका वेट मतलब तो काफ़ी ज़्यादा है तो आप 3 का 3 ले लीजिएगा, थोड़ा कम है तो 2 ले लीजिएगा। ठीक है, तो 2 रोटी आप लेके चलिए। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक नॉर्मल रूटीन, एक नॉर्मल कैलोरीज जिससे आप वेट मेंटेन कर पाए, ये डाइट उसकी है। ठीक है, और मेरे चैनल का मोटिव ही ये है कि टू मेक पीपल फिट, नॉट हे आई एम हेयर टू मेक पीपल बॉडी बिल्डर, क्योंकि मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, जो बात सच है। तो आप दूसरी मील आपकी ये रहेगी कि आप आराम से जाइए अपने ऑफिस में, लंच पैक करके ले जाइए, या तो पनीर रात में लीजिएगा, क्योंकि पनीर में केसिन प्रोटीन होता है, स्लो स्लो रिलीज होगा, तो आपको धीरे धीरे मसल में रिकवरी देता रहेगा। तो आप सुबह ले सकते हैं, आप अपना हो गया सोयाबीन, सोयाबीन को ऑल्टरनेटिव लीजिएगा डे में भी, और मेल हद्दियों दिन छोड़ के लीजिएगा, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन का दिक्कत देने लगता है, मेल चेस्ट फैट का प्रॉब्लम आने लगता है, तो आप उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन लीजिएगा, सबसे बेस्ट आएगा आपका। आपकी जितनी पल्सेज होती हैं वो दालें ले ली आपने, ब्लैक चना हो गया, काबुली व्हाइट चने हो गए, सो उसको आप प्रपोर्शनली आपने आपने कुक किया, ये नहीं कि एकदम भर भर के खाना चालू किया, नहीं प्रपोर्शनली कुक किया आपने, 100 ग्राम्स ऑफ चना हो गया, दैट विल बी फाइन। उसके बाद 2 रोटी होगी, सैलड हो गया। ठीक है, चना में आपको प्रोटीन विद फाइबर, रोटी में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन विद फाइबर एंड विद सम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलेंगे आपको, साथ में आपका सैलड हो जाएगा। ठीक है, और आपकी साथ में रहेगा आपका क्या, फॉर गुड फैट्स के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप मूंगफली के दाने ले सकते हो रोस्टेड, और या तो आप ले सकते हैं चिया सीड, तीनों में से कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट, लाओ नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट मील। तो मील नंबर 3 रहेगी हमारी, मील नंबर 3 में आपका रहेगा, जैसे आपका हो गया इवनिंग स्नैक्स। तो इवनिंग स्नैक्स बहुत बड़ा समस्या है हमारे भारतीयों के लिए, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स ही पूरा काम बिगाड़ता है पूरी डाइट का हमारे। तो इवनिंग स्नैक्स से आप अपन क्या ले सकते हैं, सो इवनिंग स्नैक्स सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा भुने चने रख लीजिए पास में। ठीक है, भुने चने हो गए आपके पास, थोड़े इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, उसमें थोड़े से ओट्स डाल के उसकी नमकीन बना सकते हो आप। हाँ, और
थोड़ा नमकीन, थोड़ा चाट मसाला थोड़ा डाल के लिमिटेड अमाउंट में उसको बना के आप खा सकते हैं एज अ स्नैक्स। आपने कोई भी एक लाइट चली गई है कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में इन्वर्टर का कनेक्शन मम्मी ने दिया नहीं हुआ है। तो आप उसको इक्वली सॉरी मैं क्या बोला था, हाँ डाइट पे वापस आता हूँ, ओट्स में। ओट्स में आप उसको मिक्स करके आप खाइए, मतलब ज़्यादा नहीं, आपका कितना 60 to 70 ग्राम 80 ग्राम टोटल मिक्सिबिलिटी जो सब चीज़ आप मिक्स करें, ओट्स 50 ग्राम, कुछ नट्स, कुछ आपके नहीं सॉरी ओट्स आपको 30 ग्राम लेना, 30 ग्राम ओट्स, 20 ग्राम आपका 20 ग्राम आप सॉरी 30 ग्राम ओट्स, 40 ग्राम भुना चना, और जो 10 ग्राम आपका हो गया थोड़े ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली आपने डाल ली और उसमें थोड़ा नमकीन की तरह आपने खा लिया। और अब बारी आती है, आप अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो शाम को, तो आप 1 घंटे बाद मैं आपसे मेरी जो जो मैं सोच रहा हूँ आप 1 घंटे बाद वर्कआउट करने जाओगे, सो वर्कआउट करने से पहले आप 1 घंटे पहले वर्कआउट करने से 15 मिनट पहले आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, और ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर आप लेके जाइए वर्कआउट, आपको मस्त मज़ा आएगी वर्कआउट करने में। अब बारी आती है हमारी प्री वर्कआउट, तो अपने ले लिया पोस्ट वर्कआउट फॉर रिकवरी, फॉर मसल रिकवरी अपन क्या लेंगे। पोस्ट वर्कआउट में अपन ले सकते हैं कोई भी प्रोटीन, ठीक है, मैं प्रोटीन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, प्रोटीन लो ठीक है, अगर आपको बॉडी को ग्रो जल्दी करना है, मतलब अच्छी रिकवरी देनी है, मैं बोलूँगा अगर आपका टाइम कम है, आपको रात में क्योंकि रात के खाने में देरी हो रही है, आप कॉलेज ऑफिस जा रहे हैं, इतना सब सब कुछ दिन में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रोटीन ले लीजिए ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मान चल रहा हूँ कि आपने एक इसको प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लोग बहुत हाइप किए हैं कि प्रोटीन ऐसा है प्रोटीन वैसा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्रोटीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाई क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन ठीक है। आप प्रोटीन ले लीजिए, उसके बाद वर्कआउट के विद इन 10 मिनट्स लिए विद अ ले लीजिए, साथ में एक मल्टीवाइटमिन ले लीजिए, मल्टीवाइटमिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग, चाहे वर्कआउट करे वर्कआउट ना करे, डाइट फॉलो करे तो बहुत अच्छी है, ना फॉलो करे तब भी आप मल्टीवाइटमिन लीजिए, क्योंकि मल्टीवाइटमिन अपन को आम चीज़ों से नहीं मिल पाती है। तो अब बारी आती है हमारी रात की मील की, सो रात की मील के लिए मैंने बोला था पनीर, ईजी है, 100 ग्राम ऑफ पनीर विथ सम वॉट विथ सम सैलड, रात में आप थोड़ा स्पिनिश में उसको दाल थोड़ा दाल में मिक्स करके और थोड़ा पनीर को चॉप्स करके क्यूब्स क्यूब्स में कट करके उसमें डालिए, और थोड़ा सा हेल्दी मील बनाइए, हल्का बहुत थोड़ा सॉल्ट लीजिएगा, सॉल्ट बना नहीं कर रहा, थोड़ा सॉल्ट डालिए, थोड़ा चाट मसाला वसाला डालिए, उसको बनाइए और खाइए और अपना दिन को एंजॉय करिए। देखो डाइट ऐसी होनी चाहिए ना जो बंदा पूरे साल भर फॉलो कर पाए, कोई ऐसा कीटो डाइट बता दी आपको किसी ने, और किसी ने आपको बता दी कि एकदम ये आपको लिक्विड डाइट है, कीटो डाइट है, कार्ब डाइट है, भाई आपको ज़िंदगी जीनी है, आपको पूरी लाइफ में अपने दो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को आप ऐसा बोझ लेके चलोगे तो आप बहुत लंबा रन नहीं कर पाएंगे ठीक है। तो आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ लेके चलनी है बॉडी में, एक सस्टेनेबल चीज़ लेके चलनी जो आपको लमसम आपको ज़िंदगी भर तक आराम से आप फॉलो कर पाओ, आपको हेडेक ना रहे कि यार ये नहीं किया वो नहीं किया ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं ऐसा अपने को नहीं करना है। सो आई होप मैंने आपको वीडियो में सब सही सही बताया है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे आप वेट गेन करें। ये मैंने बताया है उन लोगों के लिए जो घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, इनके लिए मेरा चैनल भी उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग आपका बैकग्राउंड है, अगर सॉरी बैकग्राउंड अगर आप बॉडी बिल्डिंग का सोच रहे हैं तो प्लीज़ मतलब मेरा चैनल, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जो मैं बात सच बताऊँ मेरा 9 to 5 का जॉब है, 6 घंटे का जॉब है, और थोड़ा कॉर्पोरेट लीग खेलता हूँ, तो मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल लेके चलता हूँ, सो मैं उस तरफ मेरा कभी रुझान नहीं गया, इन फ्यूचर का मैं बता नहीं सकता मैं कभी क्या करने वाला हूँ, मेरे को भी नहीं पता कल का मैं क्या करने वाला हूँ। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो। भाई ने तुम्हारा 9 मिनट इन अ सिंगल टेक बोला है, और उसको मैं डालूंगा विदाउट एनी एडिट, कोशिश करूंगा पूरी यही। सो 10 सेकेंड रह गया, तो 1 2 एंड 3 एंड दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो।